हेलो फ्रेंड्स, होप सो डूइंग ग्रेट। आज जो हम वीडियो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा कोण व कोणों के प्रकार, यानी कि एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि कोण क्या होता है, कोणों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो डोंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, आज जो हम देखने वाले टॉपिक वो है हमारा कोण। कोण क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। क्या देखते हैं हम लोग इसकी परिभाषा। दो किरणों के बीच के झुकाव को, दो किरण है आपके पास में, मान लीजिए अल्फा बीटा या कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बी, आपके पास में मान लीजिए दो किरण है और आप उनके बीच का जो झुकाव देखेंगे वो आपका कहलाएगा कोण, कि उनके बीच में कितना झुकाव है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, कोण। जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास दो किरण है, ये अल्फा ये बीटा, दोनों आप मान सकते हैं, यह ए या सेकेंड बी। ठीक है, तो आप को ये देखना है कि इनके बीच में कितना झुकाव है। मान लीजिए मैंने कि ये झुकाव देखा इनका, मैंने बोला यार इतना झुकाव है इनके बीच में, ये झुकाव है, मैंने इस झुकाव को नाप लिया, बोले 10 है 20 है 30 है, जितना भी होगा उसे मैंने बता दिया कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2 आया या 100 आया, तो मैंने बता दिया कि फ्रेंड्स ये 40 का है या 50 का है, माना कि ये 40 का है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका 40 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है, 40 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोण। समझ में आई बात, कि ये हमारा क्या कहलाएगा, कोण। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग कि कोणों के प्रकार कितने होते हैं। तो कोणों के हम लोग देखते हैं प्रकार, क्या देखते हैं हम लोग कोणों के प्रकार। तो कोण बहुत साइड टाइप के होते हैं, जैसे शून्य कोण, न्यून कोण, तो हम क्रम वाइज देखते हैं। पहले देखते हैं जीरो कोण, ठीक है, यानी कि जीरो एंगल, ठीक है, या शून्य कोण भी बोलते हैं इसको हम। दूसरा न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है। तीसरा देखते हैं अधिक कोण, क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। चौथा होता है समकोण, राइट एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होता है आपके पास में समकोण। नाइन्थ, कोई भी क्लास हो, नाइन्थ की बात नहीं कर रहा हूं, टेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली सारी क्लासेस में समकोण के बारे में जरूर पढ़ाया जाता है। और एक आता है समकोण त्रिभुज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी दो भुजाएं आपको ज्ञात रहती है और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना रहता है, जिसमें आप क्या करते हैं, फिर उसके बारे में बता देता हूं, आप टॉपिक से थोड़ा हटके यहां पे वीडियो से क्या करेंगे आप, जब समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाएं ज्ञात रहेंगी और आपको थर्ड भुजा ज्ञात करनी रहेगी, तो आप क्या करेंगे वहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, जो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। ठीक है, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। फिर देखते हैं बहिष्कोण, इसको आप बृहत कोण भी बोलते हैं, बृहत कोण। ठीक है, और इसको आप हम जनरली क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एंगल। फिर देखते हैं संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद देखते हैं पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। इतने जो है हमारे पास काम काम के हैं। ठीक है, बाकी और भी होते हैं, लेकिन हमारे को इतनों पे फोकस करना है, जो हमारे को सारे काम हमारे इतने ही एंगल से बन जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कोण देख लिया, कोण के बाद हम लोगों ने देख लिया कोणों के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं शून्य कोण क्या होता है, यानी कि जीरो एंगल। जीरो एंगल की बात करें, नाम से स्पष्ट है कि जीरो होना चाहिए इसके बीच का एंगल। भैया क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इसके बीच का एंगल। यदि कोण बनाने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव, यदि मान लीजिए मेरे पास ये दोनों पेन है और इनके बीच का जो झुकाव है ना, अगर वो जीरो हो जाए, कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, जीरो एंगल। इसे मैं क्या बोलूंगा, जीरो एंगल, यानी कि दो किरणों के मध्य का झुकाव जो है हमारा, वो अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ये, ठीक है, जीरो इनके बीच का झुकाव। आगे देखते हैं हम लोग न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण यानी छोटा, नाम से थोड़ा लग रहा है कि भैया ये थोड़ा बड़े भाइयों से थोड़ा छोटा है। ठीक है, ऐसा कोण जो शून्य अंश से बड़ा, कितना, ये जो हमारा जीरो डिग्री का जो कोण बना था, इससे बड़ा किंतु 90 से छोटा, ये 90 अंश है हमारा समकोण, इससे छोटा। ठीक है, ऐसा कोण जो शून्य अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं या न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए आपके पास में ये बन रहा है 45 एंगल बन रहा है आपके पास में, ये 55 का और ये 90 का है, तो 90 से क्या है, छोटा है। ठीक है, और जीरो से बड़ा है, यानी कि 90 से छोटा और जीरो से बड़ा,
समथिंग इस टाइप से। ये हो सकता है 40, 50, 60, 70 तक का, 80 का भी हो जाएगा, यहां तक कि 89 का तक हो सकता है। इसे आपके बोलेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है, 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग समकोण, यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल अच्छा लग रहा है नाम से कि राइट है भैया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 90 अंश का जो हमारा कोण होगा ना, उसे आपके बोलेंगे समकोण। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास 90 अंश का जो कोण बन रहा है, देखिए ये समकोण, ठीक है, इसे आप क्या बोलेंगे राइट एंगल। तो इसकी परिभाषा क्या जाएगी, ऐसा कोण जिसमें बनाने वाली, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दो किरणों के मध्य का झुकाव 90 अंशों समकोण कहलाता है। यानी कि ऐसा कोण जिसे बनाने वाली भुजाओं का या रेखाओं का या किरणों का के मध्य का झुकाव क्या होगा, 90 अंश होगा, उसे आप क्या बोलेंगे समकोण, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि डायग्राम। ये देखिए आपको एक 90 डिग्री का डायग्राम यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए 90 का, ये हमारा क्या है राइट एंगल यानी कि समकोण। आगे देखते हैं हम लोग अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऐसा कोण, अधिक बोल रहे हैं यहां पर, नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि अधिक यानी कि 90 से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, समथिंग यही। तो क्या ऐसा कोण, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा हो, 90 से बड़ा किंतु 180 अंश से छोटा हो, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि ये हमारा कितना बना था, 90 बना, ठीक है, इससे अधिक, ठीक है, देखो ये मैंने बढ़ा दिया इसे, इससे अधिक किंतु 180 से छोटा, ये स्ट्रेट क्या हो जाएगा 180, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा यानी कि 95, 97, 100, 120, 130, 140, 150, 170 तक के भी कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये 90 का बना, यहां पे जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपके पास में, ये क्या है 90 की, ठीक है, ये देखिए ये 90 का एंगल है, ठीक, ये वाला, और ये जो है आपके पास में ये रेड कलर से दिखाएं, ये क्या है 120 का। तो ये देखिए 90 से बड़ा हो गया, तो इसे आप क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे, अधिक कोण, ठीक है। तो आपने अधिक कोण देख लिया, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट वाला, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो रिजु कोण, रिजु, ठीक है, 180 अंश का जो हमारे पास कोण होगा, उसे आप क्या बोलेंगे, रिजु कोण। तो ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों, किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रिजु कोण, या इसके और आसान डेफिनेशन है, 180 अंश का कोण रिजु कोण कहलाता है। या आप अगर और बड़ी डेफिनेशन बताना चाहें तो क्या बताएंगे, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, रिजु कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, यानी कि दोनों जो भुजाएं हमारी ना, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में, देखिए इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिजु कोण, ये आपका क्या कहलाएगा, रिजु कोण, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट रहेगी लाइनें, स्ट्रेट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए हमने बनाया भी हुआ है यहां पर, टिक। आगे देखते हैं हम लोग, इसका डायग्राम देख लीजिए आप। इसके बाद देखते हैं बहिष्कोण, यानी कि बहत कोण भी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो, उसे आप बहिष्कोण कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल क्या जाएगा, देखिए जो स्ट्रेट लाइन गई है आपके पास में, ये कितने की, 180 की, ठीक है, ये कितने की आपके पास में, 180 की, और ये जो आपके पास उससे आगे बढ़ी ये जो ब्लू कलर की लाइन, ये कितनी, 210 की। तो ये आपका 180 से बड़ा हो गया ना 210, तो इसे आप क्या बोलेंगे, बहिष्कोण, यानी कि 180 से थोड़ा बाहर बन रहा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। यदि किन्हीं दो कोणों का योग, यदि मैंने बोला किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, यानी कि मान लीजिए हमने ये दो लाइनें लिया, ठीक है, यानी ये लिए, ठीक, और ये, यानी कि हमने क्या किया यहां पर, 90-90 के दो एंगल बना दिए, ठीक है। देखिए ये एक 90 का हो गया स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक, ये 90 का हो गया और इधर भी एक 90 का हो गया। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आप क्या बोलेंगे, 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो ये आपके पास में क्या हो गया, संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एक 90 का ये बना, एक 90 का ये बना, तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास योग कितना आया, 180।
तो आप इसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक यानी कि पूर्ण कोण कहते हैं, संपूरक या पूर्ण कोण कहते हैं। देखिए जैसे ये वाला कोण हमारा कितने का है, 50 का, ठीक है, और ये वाला कोण कितने का है हमारा, 130 का। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 130 और 50 कितना आएगा, 180। तो ये आपका कितने का हो गया, 180 अंश का हो गया ना, दोनों को आपने काउंट किया तो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग अगर से समकोण के बराबर हो जाए, किन्हीं दो कोणों का योग अगर से समकोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समकोण के बराबर। जैसे कि मान लो ये है हमारा, ये समकोण है, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन आ गई मान लीजिए ये, ठीक है, ये लाइन आ गई आपके पास में, ये लाइन आ गई, इसका मान लीजिए बन रहा है एंगल 30 का और यह है 60 का एंगल, तो 30 प्लस 60, ये 60 का हो गया और ये वाला 30 का एंगल हो गया। इन दोनों को जब आप काउंट करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 90 का आएगा। देख लो आप, स्ट्रेट लाइन बन रही है यानी कि ये 90 का, ठीक, ये 90 का है राइट एंगल, और यहाँ पे 30 का और ये 60 का, दोनों को जब आप काउंट करोगे तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का। ठीक है, तो किन्हीं दो कोणों का योग अगर से समकोण के बराबर हो जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे आप उसे, कंप्लीमेंट्री एंगल। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने बताया अभी आपको कि ये 30 का एंगल बन रहा है आपके पास में, देखिए ये आपके पास में कौन सा एंगल बना, 30 का, ये वाला, ठीक है, और ये वाला आपके पास में कितने का बना, 60 का। तो जब आप 30 और 60 को काउंट करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, 30 और 60 को काउंट करोगे, कितने कितने को, 30 और 60 को, ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, आएगा 90 डिग्री। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा आपके पास में, कंप्लीमेंट्री एंगल। हमने डेफिनेशन क्या देखा था, किन्हीं दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ये हमने एग्जांपल देखा इसका। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने वीडियो अगर पूरा देखा हो तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।